टूरिज्म भी एक्सीडेंटली शुरू हुआ। बंसीलाल जी के साथ मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। उन दिनों में शताब्दी नहीं थी, इतने ज़्यादातर ट्रैवल बाय रोड होता था। तो करनाल के पास जहाँ वो कैनाल है, वहाँ बैंक पे एक छोटा सा झुग्गी था और चारपाई पड़ी थी, एक बुढ़ा आदमी चाय बना रहा था। वहाँ बैठ के हम लोग चाय पिए। मैंने बंसीलाल जी से कहा कि यहाँ से दिल्ली तक जाते हुए कोई जगह नहीं जहाँ कोई आदमी बैठ के चाय पी सके। तो कहने क्या हो सकता है। मैंने कहा ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ कैनाल है, इसके दूसरी तरफ जो ज़मीन है पूरी कलर है, सफ़ेद है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, कोई यूज़ नहीं। हमने इसका पानी यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र कर दें, एक आर्टिफिशियल लेक बना दें और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाएं और फिर यहाँ लोग रुकेंगे, ना सिर्फ रुकेंगे, लोग आके ठहरेंगे यहाँ पे, एक रिजॉर्ट भी हो जाएगा, बाहर से भी चेंज के लिए लोग यहाँ आएंगे। तो उन्होंने कहा तो आप टूरिज़्म संभाल लो। तो मैंने कहा मेरे कुछ शर्त है, वो आप मानोगे नहीं। कि नहीं, बोलो क्या शर्त। हमने कहा मेरा शर्त यह है कि एक ऑटोनमस टूरिज़्म बोर्ड बनाए मेरे अध्यक्षता में, सारे सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट जो हैं इसके मेंबर्स होंगे, फाइनेंस भी मैं होगा, फाइनेंस को कोई वीटो राइट नहीं होगा, एडवाइजरी कैपेसिटी में होगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता हूँ, तो आपसे भी नहीं कोई इंटरफेरेंस। तीसरी चीज़ ये कि सारे पोस्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू हैं वो विड्रॉ हो जाएं, वो हम डिसाइड करें किसको रखना है, किसको हटाना, क्या पे स्केल के क्या होंगे। और चौथी चीज़ ये है कि मेरे बजट में कोई सीमा नहीं होना चाहिए, जितना मैं खर्च कर सकूँ वो होगा। तो देखते रहे हमारी तरफ, कहने कर लो। अच्छा, मेरा बजट टूरिज़्म का 1 लाख था साल का, 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग कमीशन ने 5 लाख दिया था। तो बोर्ड सेटअप हो गया सारा, फिर मैंने एक साल में अगेंस्ट बजट ऑफ 1 लाख मैंने 3 करोड़ स्पेंड किया। ओम प्रभा जैन मिनिस्टर थी फाइनेंस की, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपने क्या कर दिया, कहाँ से पैसे आएंगे। हमने कहा मुझसे बात मत करो, चीफ मिनिस्टर साहब बात करो। कहने का छोटो एक मीटिंग करते हैं, देखें कितना रिडक्शन हो सकता है। मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा आप 2-4 लाख के पीछे क्यों बुरे बने। खैर वो फिर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स में असेंबली से पास हो गया। नौ जो 3 करोड़ मैंने खर्च किया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि प्लानिंग कमीशन ने अगले साल के बजट में मुझे 5 करोड़ दिया। जब 5 लाख था 5 साल के लिए, एक साल के 5 करोड़ दिया। तो ये जो मैंने बोर्ड सेटअप किया, पूरा बोर्ड में जाता जहाँ है सारा डिसीजन ले करके, ये नहीं ये फाइल यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, खुद रिक्रूट किया। फिर हमने कहा ये कॉम्प्लेक्स में हमें स्टाफ चाहिए, तो मैंने पानीपत में ट्रेनिंग स्कूल किया जो टूर होटल्स वगैरह के लिए, सारा स्टाफ वेल ट्रेंड, ट्रेनिंग थी। मैंने कहा दो चीज़ों में मुझे बहुत, एक तो टॉयलेट्स गंदे नहीं होने चाहिए और दूसरे किचन पूरी साफ होना चाहिए, एक मक्खी भी देखी। तो शुरू में मैंने कई लोगों को सस्पेंड किया, तो एक डर गया, लेकिन उसका ये हुआ कि स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया तो सब लोग जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी एक ही हुआ कि हम हरियाणा टूरिज़्म के साथ, उसका इज्जत हो गया। जो यहाँ और ट्रेन एम्प्लॉयज़ थे इनको आगे चल करके दिल्ली में कई होटल्स में नौकरी मिल जाती थी। हरियाणा के पास कोई ज़्यादा एसेट्स नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा एसेट जो हरियाणा था वो ये था कि हाईवेज थे, कोई डेस्टिनेशन आपको जाना हो आपको हरियाणा के थ्रू पास करना, आपको बम्बई जाना हो, कलकत्ता हो, शिमला जाना हो, कश्मीर जाना हो। तो हमने कहा ये सबसे बड़ा एसेट है, लोग ट्रैवल करते हैं बाय रोड ज़्यादा ट्रैवल होता था। हमने कहा अगर जगह जगह पर सिलेक्टेड जगह पर हम बिखर दें तो एक सुविधा हो जाएगी, उससे बढ़ेगी और वो फिर डेस्टिनेशन स्पॉट्स भी हो जाएंगे टूरिज़्म के लिए। कई लोग दिल्ली से कहाँ जाएँ वीकेंड पे, क्या चले गए बाहर, सोना है यहाँ है वो है, तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। जो हरियाणा के बच्चे हैं दे वेरी इंटेलिजेंट, पंजाब के बच्चों से कोई कम नहीं है, लेकिन अगर उनको राइट सुविधा मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, एनवायरनमेंट मिले,
तो दिलबू, मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि मैं हरियाणा में एक पब्लिक स्कूल सेटअप करूं, जो कि जितने पब्लिक स्कूल्स इंडिया में उनसे कम ना हो। डून स्कूल हो या मेयो कॉलेज हो या सनावर हो या डाली कॉलेज इंदौर हो, ये मैं चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो गवर्नर साहब से बात करो। तो गवर्नर साहब बी एन चक्रवर्ती, गवर्नर साहब आईसीएस बहुत सुलझे हुए आदमी, तो उन्होंने कहा आइडिया अच्छा है लेकिन कांग्रेस वाले जो हैं उसको अपोज करेंगे क्योंकि वो पब्लिक स्कूल के ख़िलाफ़ हैं, बच्चे अपने भेजेंगे पब्लिक स्कूल में, खुद अपोज करेंगे। तो मैंने उनको कहा मैं उसको पब्लिक स्कूल नहीं कहूँगा, मैं उसे स्पोर्ट्स स्कूल कहूँगा। पब्लिक स्कूल होगा राइट टिल ट्वेल्थ, लेकिन स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी। और फिर मैंने कहा कि इसको, ताकि कांग्रेस वाले जाके मत्था टेके जाके, हम इसको मोतीलाल नेहरू स्कूल और स्पोर्ट्स करेंगे। तो जाके सब मत्था टेकेंगे वहाँ, कोई एक कांग्रेसी नहीं बोलेगा स्कूल के खिलाफ। तो वो हो गया ना, इत्तेफाक के बाद अगर चीज़ होनी होती है तो हो जाती। एक प्रिंसिपल थे सैनिक स्कूल हरियाणा में, कुंजपुरा में, वो रिटायर हो गए थे और वो लखनऊ में सेटल हुए थे। उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ मिनिस्टर को कि मैं रिटायर हूँ, अगर मेरी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ। तो चीफ मिनिस्टर ने मुझे भेज दिया, तो मैंने उनको तार भेजा कि आकर मिलो कर्नल चंद्रा। तो मुझे मिले वो, तो मैंने कम ने कहा ही इज़ माई मैन। मैंने कर्नल चंद्रा मैं आज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देता हूँ आपको, लेकिन आप कल जाके टेक ओवर कर लो इस प्रिंसिपल। वो राय जगह था, मैंने पंचायत से पहले बात कर ली थी और हरियाणा पुलिस वालों की भी आँख थी उसके ऊपर। हमने कहा इनके पहले मुझे करना है, हमने कहा वहाँ रेस्ट हाउस है, वो आपका रेजिडेंस हो जाएगा और बड़ा बड़ा स्टेडियम है, उसका अंदर बहुत स्पेस है, आप क्लासेस स्टार्ट कर लो या अंडर द ट्रीज शुरू करो। कहने स्कूल, हमने कहा ये स्कूल है, हमने कहा जाके वहाँ बोर्ड लगा दो मोतीलाल नेहरू स्कूल, और स्कूल शुरू हो गया। तो सोचा था बोर्ड वोर्ड लग गया, छः एडमिशन के बाद कोई 7-8 बच्चे किंडरगार्टन में मिले, खैर उससे वो शुरू हो गया। अब एक मैंने कहा इसमें यह है, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड, तो टेस्ट होता था मिनिमम टेस्ट, उसके बगैर हम लेते नहीं थे। और ये अच्छा, फिर ये हुआ कि अभी कर्नल चंद्रा के बाद दूसरा आदमी, तो पहले मैं वाइस प्रिंसिपल ले लूँ। तो मैं इधर गया, मैं गया मेयो कॉलेज में, तो वहाँ हाउस मास्टर के एक थे मिस्टर भरद्वाज, काफ़ी उनकी रेपुटेशन अच्छी थी और लोगों ने तारीफ की। तो मैंने उनको कहा यहाँ आ जाओ, तो कहने मेरी वाइफ भी काम कर, उनको भी लियाओ। तो मैंने कहा वो एक जूनियर स्कूल कर दिया, उसका कहा कमला नेहरू विंग, उनकी वाइफ वहाँ और ये इधर, तो वाइस प्रिंसिपल तो टेक ओवर के मूड था। उसमें यह था कि बंसीलाल जी का ग्रैंड सन अपियर हुआ और वो फेल हो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि को आप किसी तरीके से ले लो। हमने कहा मैं नहीं ले सकता हूँ, हमने अभी स्कूल शुरू हुआ, एक अभी एक्सेप्शन किया तो फिर बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाए। खैर वो मान गए। इसके बाद एक मुसीबत में आ गया, माई नेफ्यू, माई ब्रदर सन, उनके मदर ने कहा इसको यहाँ भेजना, हमने कहा टेस्ट लो। अब वो टेस्ट लिया और टेस्ट में पास हो गया। अब मेरे सामने ये दुविधा हुई, मैंने कहा कोई यकीन नहीं करेगा कि चेयरमैन का भतीजा ऑन मेरिट आया है, सब कहेंगे हाँ चेयरमैन का भतीजा तो आना ही था। तो मैंने कहा मैं नहीं ले सकता हूँ। मेरे सिस्टर इन लॉ बहुत नाराज मुझसे, हमने कहा नहीं, जब शुरू में होता है एक परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रियलिटी कुछ हो, रियलिटी नहीं देखते, परसेप्शन, परसेप्शन ये होगा भी चेयरमैन है तो होने ही है। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था क्या चंद्रशेखर जी के, और मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि चंद्रशेखर जी अगर कंटिन्यू करते ही वुड हैव बीन द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। उनको समय बहुत कम मिला और वो भी राजीव गांधी को डर था कि अगर टिकने दिया गया इनको तो एस्टेब्लिश कर लेंगे अपने, और यही उनको एडवाइस करते, तो इसलिए काफ़ी पिन प्रिक्स था। और चंद्रशेखर जी बीइंग ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ही रिजाइन, उन्होंने वेंकटरमन जी को बता दिया कि मैं रिज़ाइन करने जाऊँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ इंटरफेरेंस हुई।
उन्होंने कहा राजीव जी को, राजीव ने कहा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं छोड़ता। तो सेशन था पार्लियामेंट का एंड प्राइम मिनिस्टर को रिप्लाई करना था टू द डिबेट। हम लोग थे मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में, तो उन्होंने कहा आप लोग वेट करो मैं अभी आता हूँ। वहाँ पर ही मेड वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस एंड अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। देन ही केम बैक टू द कैबिनेट टू गेट इट रेटिफाइड। सो एंड इवन एक चीज ये थी कि ही वॉज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन ऑफ द प्रेजेंट डे। हाउस में विगरसली ही वुड अपोज, बाहर ही हैड फ्रेंड्स फ्रॉम द बीजेपी, ही हैड फ्रेंड्स फ्रॉम द कांग्रेस, ही हैड फ्रेंड्स फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। उनके घर पर बैठा जाता, गप शप होता जाता था। तो वो ये नहीं था कि ओपन माइंड था। एक इशू था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो उसमें किसी ने अप्लाई किया तो उनके पीए ने कहा कि साहब ये तो कांग्रेसी है इसको, तो बहुत नाराज हुए, कहने ह्यूमैनिटेरियन इशू पे ये कांग्रेसी है, इसने आता ह्यूमन इशू है, सेंक्शन कर दो। माइंड सेट डिफरेंट था। मैं आपको बताऊँ एक किस्सा। ये कुछ स्वीडिश इंजीनियर्स किडनेप हो गए थे गुलमर्ग में, तो स्वीडिश एम्बेसडर मेरे पास आए, तो मैं ले गया चंद्रशेखर जी के पास। तो उन्होंने कहा इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। जब वो चले गए तब चंद्रशेखर जी ने कहा मुझसे ये तो बहुत बुरी बात है, चलो नवाज शरीफ से बात करते हैं। टेलीफोन करते हैं नवाज शरीफ को, कहते भाई जान वहाँ बैठे बैठे क्या बदमाशी कर रहे हो, इसी तरीके से एग्जैक्ट वर्ड से। उन्होंने क्या हो गया, कह रहे बेचारे इंजीनियर्स को आपका क्या बिगाड़ा, आपने उनको किडनैप कर लिया। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं, वो मिलिटेंट्स ने किया। मैं भाईजान असलियत आपको मालूम, असलियत में लेट्स नॉट गो इनटू दैट, मुझे प्रेस में नहीं जाना। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो कल सुबह तक छूट जाना चाहिए, और मुझे उसको सुनना नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़ आई कि वो एस्केप कर गए। तो मैंने बाद में पाकिस्तान एम्बेसडर को बताया, तो पाकिस्तान एम्बेसडर ने व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो पर्सनली ही वुड टेक रिलेशंस विद पाकिस्तान विद नवाज शरीफ वेरी, नवाज शरीफ कई बार उनको कॉन्टैक्ट करते, भाई साहब वो इराक में हो रहा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, सलाह वो लेते रहते थे। बुश के साथ भी वो था एक बार ऐसा हुआ, मेरे पास जॉर्ज बुश की बात कर रहे हैं, हाँ मेरे पास टेलीफोन आया आबिद हुसैन साहब का, वो एम्बेसडर थे हमारे, कहने के वो प्रेसिडेंट बुश बात करना चाहते हैं चंद्रशेखर जी से, उनका आदमी जो है वो घास नहीं डाल रहा है। हम उनको बताया बुश साहब बात करेंगे ना, बुश अपने घर के होंगे, मेरे साहब सो रहे हैं, उठा नहीं सकते, बहुत जरूरी बात थी। तो मैं फिर गया उनके रात को घर पे, उठा करके फिर बात हुई। ये पता चला कि परमिशन दी है रीफ्यूल करने के लिए बॉम्बे में, तो बड़ा शोर मचा, राजीव गांधी ने बड़ा हल्ला मचाया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री में सब घबराए थे, कह रहे हैं आई टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने बुश का टेलीफोन आया, कहने गया सुना आप विड्रॉ कर रहे हो फैसिलिटी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो परमिशन दी आपको, मैं कोई विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़ाई तो ख़त्म हो गई करीब करीब, आप रिफ्यूल कर सकते हो श्रीलंका में, लेकिन आपको पता है राजीव गांधी क्या शोर मचा रहे हैं, वैसे आपकी मर्जी। तो फिर बुश विड्रॉ कर गए, तो उनका एक तरीका था। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, इनकरेजेबल ऑप्टिमिस्ट। जो मैं देख रहा हूँ हरियाणा में हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, देर इज सीरियसनेस, देर इज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्वेंट्स एंड द मिनिस्टर्स रपो है, ही हैज़ अ गुड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाकी डिपार्टमेंट्स भी, मेरा ज़्यादा वास्ता रहता नहीं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में वो करते रहते हैं। हमारी फ्रेटर्निटी जो है इट इज़ अ मच मलाइंड फैसिलिटी, लोग ज़्यादातर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं, ज़्यादा ह्यूमन नेचर है, है इमीडिएटली कोई चीज़ होगा, रूमर हो गलत हो उसको बिलीव कर लेंगे, मीडिया उसको और ज़्यादा, हर एक चैनल देखो वही वो कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं ट्रायल बाय मीडिया हो जाता है, बाज़त आदमी आने से सफर करता है, बट एक्चुअली लॉट ऑफ गुड वर्क इज़ बीइंग डन। मेन चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन में ये है
वो ऊपर का डायरेक्शन कैसे है। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि सिविल सर्वेंट्स नहीं कर रहे हैं या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी हमारी डिमांड थी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जोर दे रहा है, रेलवेज हैं, हाईवेज, जितना इस वक्त काम चल रहा है हाईवेज में कभी नहीं हुआ है, एयर ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, उससे क्या था? उसका असर टूरिज्म पर होता है। अब इस बजट में फॉर एग्जांपल टूरिज्म को कुछ बजट नहीं मिला। हरियाणा में एक विलेज है राखीगढ़ी, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हांसी के पास है। उसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ पे डिस्कवर हुआ जो मोहनजोदड़ो के टाइम में था। मोहनजोदड़ो से कोई 1000 साल पहले, अगर ये पहले डिस्कवर होता तो मोहनजोदड़ो इतना फेमस नहीं होता जितना है। तो इस पे काफ़ी अब डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगा यूनेस्को में। वहाँ हमने काफ़ी, हुडा साहब थे, उन्होंने बहुत प्रॉमिस किया करेंगे लेकिन हुआ नहीं। फिर प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आया तो उनको वहाँ ले गए, तो वहाँ पे नया म्यूज़ियम बन गया है, गेस्ट हाउसेज बन गए हैं, बाकी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक ये विलेज है जो जिसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये होगा। दूसरी चीज़, आई थिंक ये जो राइस स्कूल है, ये कॉन्सेप्ट, मेरा प्लान ये था, ये जूनियर विल मैंने बताया, जैसे वो था किंडरगार्टन से लेकर 6 तक और 7 से 12 वो था। मेरा ये था कि हर एक तहसील में एक जूनियर स्कूल हो विच एक्ट्स एज अ फीडर, तो इससे क्वालिटी एजुकेशन। सो दिस इज़ अनदर थिंग जहाँ पे, अब आप इमेजिन नहीं सकते हो, राय स्कूल के अभी मैं 1 साल हुआ, कुछ ब्रिगेडियर्स मुझे मिलने आए, कहने मुझे पता नहीं था आपने सेटअप किया, मैंने आपकी किताब पढ़ा उसमें, तो फंक्शन है एलुमनाई ओल्ड स्टूडेंट्स का, तो आप चीफ गेस्ट हुए। मैं गया, कुछ 200 लोग थे, मैन वेमेन फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन, ज़्यादातर तो आर्मी से थे, कुछ मेडिकल थे, कुछ सिविल सर्विसेज थे, कुछ बिजनेस में थे, और कई लोग बहुत सारे बाहर हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, होल्डिंग वेरी हाई पोजीशंस। आई एम सेइंग वो कॉन्सेप्ट जो है, और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द क्लास दैट कैन नॉट अफोर्ड, गिविंग देम क्वालिटी एजुकेशन, उससे स्टेट की तरक्की होती है, कंट्री की तरक्की होती है। वो पटनायक साहब आए थे, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, जानकी बल्लभ, वो सेटअप कर रहे थे। नरेंद्र तिवारी आए थे, लेकिन अगेन एक विल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो उनका एक क्लियर विजन था। कमाल की बात थी कि उनको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं था गवर्नमेंट का, लेकिन विजन था कि हरियाणा को कैसे डेवलप करना है। एग्रीकल्चर पर उनका मेन फोकस था। एग्रीकल्चर के लिए ये था कि इरिगेशन, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक का उन्होंने टारगेट फिक्स किया। इम्प्लीमेंटेशन उनका बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ मोस्ट। जब वो फाउंडेशन स्टोन एक प्रोजेक्ट के लिए होता था, उसी वक्त वो कहते थे, मिसाल दूँ, घग्गर रिवर पे ब्रिज बनना था, तो उन्होंने मिसेस गांधी को बुलाया फाउंडेशन स्टोन लेकर। वहाँ उन्होंने कहा, बहन जी, इस तारीख को आपको इसको इनॉग्रेट करना है। उसी तारीख को मिसेस गांधी फिर आई, तो उन्होंने कहा, मैं समझा ये गिमिक है, मजाक है, होगा नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल विलेजेस, उन्होंने फिर से टारगेट डेट इस तारीख हो जाना, उसके 2 महीने पहले सारा कंप्लीट हो गया। तो ये एक्शन ओरिएंटेड, उससे बड़ा फर्क पड़ा हरियाणा में। एंड हरियाणा इन ए फ्यू मंथ्स टाइम, 1 साल के अंदर ओवरटुक पंजाब। जो हरियाणा डिसीजन लेता है पंजाब अगले रोज। मैंने वो डिसीजन लिया, जैसे मसलन समर मंथ्स में टाइमिंग्स मॉर्निंग टाइमिंग्स हो गए थे 7 बजे से 2 बजे, पंजाब ने वो फॉलो किया। उस वक्त 6 डे वीक होता था, मैंने 5 डे वीक किया, पंजाब ने 5 डे वीक। इस तरीके से हर एक चीज़, एग्रीकल्चर वगैरह में, हर एक चीज़ में हम आ गए। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होते थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल नहीं है और बहुत ग्लेयरिंग है,
ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर आर बी एन चक्रवर्ती थे, बहुत इज्जत देते थे चीफ मिनिस्टर को. वो बल्कि मिनिस्टर्स को कई डिपार्टमेंट से हेल्प थे कि उसको जाके गवर्नर साहब से सलाह कर लो बिफोर करने के लिए. और मैं गवर्नर साहब को मिलता रहता था, हफ्ते में कम से कम एक बार उनको अप्राइज करता था क्या हो रहा है उनसे. तो मैं बताऊँ रिलेशनशिप का ये हाल था. एक इशू था जिसमें बंसीलाल एडमिट थे ये करना है, और मैंने कहा गलत है, वो नहीं मान रहे. तो मैंने होने नहीं देना ये, तो मैं गवर्नर के पास जाता. हमने कहा ऐसा ऐसा है, ये तो बहुत गलत है. गवर्नर का मेरे ऊपर छोड़ दो. तो बंसीलाल उनको मिलने जाते थे तो गवर्नर साहब वही इशू घुमा फिर के ले आते थे और वही एडवाइस देते थे. मैं देता हूँ फिर बंसीलाल आके कहते मिश्रा जी गवर्नर साहब की वही राय जो आपकी है, चलो फिर कर लो. अब गवर्नर साहब ICS के थे, बहुत सुलझे हुए. एक ही मैं बताऊँ, जैसे कई इश्यूज होते थे जैसे डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने का हुआ, तो चीफ मिनिस्टर का प्रपोजल जाता था, उससे गवर्नर इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे बुलाते थे, कहें ऐसा ऐसा है, मेरे व्यू ये है, आप बात कर लो चीफ मिनिस्टर, अगर वो मुझसे एग्री करते हैं तो अपना नोट चेंज करके दोबारा भेज दें. तो बंसीलाल जी मान लेते दोबारा, तो उस पर गवर्नर साहब से करते थे आई एग्री. वो फाइल पर नहीं शो करना रहते थे कि डिफरेंस है, हालांकि वो ओवररूल कर सकते थे चीफ मिनिस्टर को और उनका व्यू फाइनल होता, लेकिन वो नहीं दिखाना चाहते थे कि मतभेद है. अब स्थिति इम्प्रूव कर गई है. बीच में जब चौटाला थे तब बहुत काफ़ी इंडिफरेंस, और चौटाला जो थे ठीक आदमी नहीं था. एंड हूडा के टाइम से अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, चल रहा है, फोकस है इंडस्ट्री पे. और एक और भी अब फर्क आ गया है कि सेंटर इतना ड्राइविंग फोर्स नहीं था. चीफ मिनिस्टर के वो था इंदिरा गांधी जी पावरफुल, लेकिन इतना वो जितना मोदी है, मोदी और खासतौर उन स्टेट्स में जहाँ BJP है वहाँ वो ड्राइविंग फोर्स है, तो वो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन और डायरेक्शंस लेते हैं.